हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूं, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ में एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं। आजकल का मौसम ऐसा हो रहा है ना कि दिन में अच्छी कड़ाके की धूप पड़ती है तो गर्मी लगती है, और शाम को और सुबह भयंकर ठंड लगती है। ऐसे में ये मौसम चेंज के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर हर दूसरे घर में एक कॉमन सी चीज़ हो गई है। ऐसे में हम एलोपैथी दवा खाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं जो आपके साथ चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो अगर आप बस आधी छोटी चम्मच सुबह शाम लेंगे तो आपकी सर्दी खांसी दो दिन में ठीक हो जाएगी। तो बस वो चीज़ है क्या, उसे लेना कैसे है और कब कब लेना है, वो हम इस वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, ये है पीपली, इसे इंग्लिश में लॉन्ग पेपर बोलते हैं। इसका आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि इसका यूज़ सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, इवन पेट की कुछ दिक्कतों के लिए भी पीपली का यूज़ किया जाता है। ये इस तरीके से लंबी लंबी होती है, आप देख सकते हैं, हल्के छोटे छोटे से इसमें कांटे भी दिखते हैं, इस तरीके की होती है। ये जितनी लंबी होती है ये उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपको चूज़ करना है छोटे और बड़े में से, तो बड़ा चूज़ कीजिएगा, उसका असर ज़्यादा होता है। तो ये तो रही पीपली की बात। अब बारी आती है कि पीपली मिलेगी कहाँ पे। ये आपको किसी भी आयुर्वेद के स्टोर में मिल जाएगी, या फिर जो नॉर्मल पतंजलि के स्टोर्स भी होते हैं ना, वहाँ पर भी मिल जाएगी। अगर तब भी आपको नहीं मिलती है तो इसकी अमेज़ॉन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हैं। पीपली को डिलीवरी के टाइम भी लिया जाता है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम हमें ऐसी चीज़ें ज़रूरत होती हैं जो गर्म दें, जो हमारे शरीर को गर्मी दें। और पीपली काफ़ी गर्म होती है, और ये आपकी बॉडी जो वीक हो चुकी होती है उसे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसके ढेर सारे बेनिफिट हैं जो कि मैं आपको गिना ही नहीं पाऊँगी। डिलीवरी के बाद जो पानी पिया जाता है उसमें भी पीपली को डाल के उबाल दिया जाता है, फिर वो पानी पिया जाता है। उसके कारण जो पानी है उसमें भी एक गर्माहट आ जाती है, फिर वो लेने से जो पेट की चर्बी है वो भी कम होती है, जो हमारी वीक सेल्स हैं उन्हें भी रिकवर करने में पीपली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब बारी आती है कि इसे लेना कैसे है। तो सबसे पहले एक तवा ले लीजिए, क्योंकि पीपली को हमें पहले भूनना है। यहाँ पर मैं करीबन 10 ग्राम पीपली ले रही हूँ। 10 ग्राम में करीबन 10 पीपली की स्टिक्स आ जाती हैं, और ये डिपेंड करता है छोटा या बड़ा। साथ में मैं यहाँ पर कुछ लौंग ले रही हूँ, करीबन 20 से 25 यहाँ पर मैंने लौंग ले ली है। और अब इन दोनों ही चीज़ों को हमें भून लेना है। भूनना इसलिए ताकि इसमें कुछ मॉइस्चर हो तो वो ख़त्म हो जाए। अगर आप भूनना नहीं चाहते हैं तो आप इसे अच्छी कड़ाके की धूप में भी इसे रख दीजिए, तो इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इसे पीस के स्टोर करके लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए इसे भूनना ज़रूरी है। ये अच्छी तरीके से भून चुकी है। भूनने का इंडिकेशन क्या है, लौंग से इस तरीके से फ्लेम्स निकलेंगी, तो ये इंडिकेशन है कि ये हमारी दोनों चीज़ें भून चुकी हैं। इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इन्हें हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, उसके बाद इन्हें हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर इसे आप एक ग्राइंडिंग जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास है ये काफ़ी ज़्यादा कम क्वान्टिटी में है, तो ग्राइंडिंग जार में तो ये पीसेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मोर्टार एंड पेसल का यूज़ कर रही हूँ इसे पीसने के लिए। तो करीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, ये पीस जाता है। तो ये देखिए, ये हमारी पीपली और लौंग का पाउडर बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से जितना महीन आप इसे कर सके उतना महीन आपको इसे करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दरदरा होगा तो आप इसे ले नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा इसे आप महीन पीस सके वो बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है इसे लेना कैसे है। इसे हम शहद के साथ लेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि जिन लोगों को शहद नहीं पसंद है वो भी इसे अलग तरीके से दवा ले सकते हैं, वो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता देती हूँ कि बच्चों को कैसे देना है। जी हाँ, इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चों को आप ये दे सकते हैं, बस इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है और शहद थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए ताकि बच्चों को ये कड़वा ना लगे।
तो बच्चों को कैसे देना है, एक चम्मच में मैं यहाँ पर करीबन आधी चम्मच शहद ले रही हूँ। इसमें मैं एक चौथाई छोटी चम्मच ये जो हमने पाउडर बना के रेडी किया है पीपली का और लौंग का वो ले रही हूँ, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। क्योंकि हम बच्चों को दे रहे हैं इसलिए मैंने शहद ज़्यादा रखा है, यही चीज़ अगर आप बड़ों को दें तो इसमें पीपली का जो पाउडर है उसे बढ़ा दें और शहद कम कर दें। अब बात है जो लोग शहद नहीं खाते वो ये कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास है ये च्यवनप्राश। आप किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश ले सकते हैं, बस आधी चम्मच च्यवनप्राश ले लीजिए। इसमें आप, क्योंकि ये हम बड़ों के लिए बना रहे हैं, इसमें आप आधी छोटी चम्मच पीपली और लौंग का पाउडर डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और बस इसे आपको चाट चाट के खाना है, जितना धीमे खा सके उतना धीमे खाइएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा देर तक असर आपका इसका रहेगा गले में, तो ये उतनी ज़्यादा असरदार होगी। और ये हमारी दवा बनके बिल्कुल रेडी है। ये देने के बाद आपको पानी आधे घंटे तक बिल्कुल भी नहीं पीना है, इवन बच्चों को भी पानी नहीं देना है। अगर बच्चे ज़्यादा ज़िद करें तो उन्हें आप हल्का सा दूध दे सकते हैं, एक या दो घूंट बस, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और हाँ, बच्चों को थोड़ी देर के लिए लगता है, 5 मिनट के लिए वो रोएंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा लगा है। ऑब्वियसली जब तीखी सी कोई चीज़ खाएंगे तो मिर्च लगेगी, लेकिन 5 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। ये दवा 2 दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, तो ये आप ज़रूर अपनाएं। इसका कोई नुकसान नहीं है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ माहौल चल रहा है कि किसी को सर्दी खांसी ज़ुकाम है तो ये ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये होम रेमेडी अच्छी लगी है और आपके लिए ये यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर।